इज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स मी आशा एंड यू आर वॉचिंग आशाज़ वर्ल्ड होप यू आल आर डूइंग सो वेल तो ये व्लॉग मैंने लाइक मैंने लास्ट वीक में कोई भी व्लॉग अपलोड इसी लिए नहीं किया बिकॉज मेरी बर्थडे थी तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह और जो कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर वगैरह की थी और अपनी जो बर्थडे है उस सब को सम अप करके ये व्लॉग बनाऊँ दैट्स वाई मैं लेट होगी व्लॉग अपलोड करने में तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो बर्थडे थी वो संडे को थी और मेरी बर्थडे बहुत बहुत बेस्ट बर्थडे थी लाइक like, मेरी एक दोस्त बनी पहले हॉस्टल में एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ उसकी वजह से मेरी बर्थडे बहुत स्पेशल हुई एंड मेरी फेवरेट पर्सन की वजह से ऑब्वियसली मेरी बर्थडे बहुत ज़्यादा यमी थी तो इन दो लोगों की वजह से मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से गुजर गई है भी संडे था किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी हॉलीडे था मैंने बहुत मज़े से बर्थडे सेलिब्रेट की और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी थी लाइक like, इवन के कुछ भी नहीं था हम बाहर भी नहीं गए खाना वगैरह खाने कुछ भी नहीं था बट मेरी बर्थडे बहुत बहुत बेस्ट थी और सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ थी वो बर्थडे नोट था जो मेरे फेवरेट पर्सन की तरफ से था बस एक बर्थडे नोट की वजह से लाइक एवरी थिंग गुड तो मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा दिल था बस एक टोन लगा दूँ और बस व्लॉग अपलोड कर दूँ क्योंकि लाइक like, उस दिन जो एक्साइटमेंट थी वो आज नहीं है तो पहले मैं वो वाला आपको नोट दिखा देती हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस थी लाइक दिस जस्ट चेक दिस इतना इतना हार्ट वार्मिंग नोट था इतना हार्ट वार्मिंग नोट था कि लाइक like, मुझे इतनी हैप्पीनेस हो रही थी और ना अभी भी हो रही है कि मुझे लाइक like, जब मैं वॉइस uh, ओवर कर रही हूँ ब्लॉग एडिट कर रही थी तो बार बार मैं इस पॉइंट पे आके स्टक हो जाती थी अलहमदिल्ला एम सो मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड फॉर दैट एंड ये वाला केक भी मेरे फेवरेट पर्सन की तरफ से था एंड बहुत बहुत ही अमी था और मैंने चार दिन लगा के इस केक को ख़त्म किया और अभी मैं घर हूँ तो लाइक मैं कल घर आई थी तो मैं ये खा के आई थी सारा फिनिश करके बॉक्स फेंक के आई थी लाइक ये वाला केक मैंने आई थिंक मैंने किसी को भी नहीं था दिया हाँ बस नाजिश ने और मैंने खाया था और मुझे ये बहुत बहुत यमी लगा था बाकी सारे केक मैंने सबको दे दिए बट ये मैंने ख़ुद खाया एक्साइटमेंट की वजह से मुझे भूख ही नहीं लगी जो मुझे केक पिज्ज़ा और पास्ता वगैरह उन्होंने भेजा मैंने चार बजे जा के खाया और उसके बाद जो पास्ता था मैंने नेक्स्ट डे जाकर खाया लाइक एक्साइटमेंट नहीं इतनी ज़्यादा थी मुझे भूख ही नहीं थी लग रही खुशी से तो बस फिर मैंने चार बजे जा के एक पिज्जा का स्लाइस खाया एंड आफ्टर दैट मैंने पिज़्ज़ा पास्ता केक वग़ैरह सब कुछ फ्रिज में रख दिया और फिर मैंने आई थिंक दो तीन दिन बस यही कुछ खाया और मैंने कुछ भी नहीं खाया मैंने बाहर से भी कुछ नहीं खाया मैंने घर से भी हॉस्टल से भी कुछ नहीं खाया मैंने बस पिज़्ज़ा पास्ता एंड केक से ही दो तीन दिन गुजारे अपने एंड नाजिश ने मेरे लिए अपना रूम डिकॉर किया हुआ था मेरी बर्थडे के लिए और मुझे बताया तक नहीं और मुझे आइडिया भी नहीं हुआ एंड आई वाज रियली शॉकड कि यार इतना अच्छा सरप्राइज़ मेरे लिए लाइक like, और मुझसे ये भी नहीं थी जल रही बट आई वाज रियली हैप्पी कि लाइक like, बहुत यमी था सब कुछ बहुत मज़े का था सब कुछ बहुत अच्छा था और इस सरप्राइज़ के लिए नाजिश को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी और वो उसको बस यही लग रहा था कि पता नहीं मुझे पसंद आया नहीं आया इवन के इतना अच्छा है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो क्यों पसंद नहीं आता आई डोंट नो खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा था खैर यहाँ पे मेरे साथ जाती भी हुई मुझे ये नहीं पसंद बट फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया उसके बाद घर आ मैं सारे गिफ्ट लेके और जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो सब लेके घर आ गई थी तो मैंने कहा यार वहाँ पर तो वैसे मेरा अनबॉक्सिंग करने का दिल ही नहीं था कल तो मैंने कहा यहाँ पर ही वीडियो बनाऊँगी पता नहीं लोगों को अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती आई डोंट नो वाई मुझे तो ज़्यादा होती है चलो पहले जब हम छोटे होते थे पहले तो बहुत ज़्यादा वेट होता था ना बर्थडे का ईद का मगर अब भी बर्थडे का वेट होता है क्योंकि जब कुछ लोग जो आपको पसंद करते हैं वो आपको फील कराते हैं आपकी बर्थडे आ रही है हर हर हफ्ते हर दिन हर दो दिन बाद आपको बताते हैं फील कराते हैं आपकी बर्थडे आ रही है बर्थडे आ रही है तो नो डाउट आपको एक्साइटमेंट तो हो ही जाती है दैट्स वाई मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस बार भी और ये वाला जो शूज़ थे ये मैंने अपने आप को ख़ुद गिफ्ट किए थे सो तो ये मैंने अनबॉक्सिंग मैंने कहा इसको मैं अच्छे से अनबॉक्सिंग करूँगी इसकी इसलिए मैंने हॉस्टल में तो इसको खोला तक नहीं अनबॉक्सिंग के लिए सोचा भी नहीं हॉस्टल में अनबॉक्सिंग करने का तो इसलिए मैंने घर आके इसकी अनबॉक्सिंग की थी एंड मुझे बहुत बहुत मज़े के ये शूज़ लगे इतने लाइट वेट और इतने कम्फर्टेबल मैं जो मुझे मेरे फेवरेट पर्सन ने ड्रेस दिया है मैं उसके साथ ये पहनूँगी सोन और मैं तैयार होने की वीडियो भी बनाऊंगी। अब मैं बात कर रही थी लाइक बर्थडे की एक्साइटमेंट की तो एक ही तो दिन होता है आपके पास जब अब आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन भी आप हैप्पी एंड एक्साइटेड ना हो तो आई डोंट थिंक सो के ये एक सेंस बनती है तो मुझे तो अपने सारे गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें वगैरह बर्थडे एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बर्थडे के तीन दिन बाद तक एक्साइटमेंट होती रही जब तक मेरा बर्थडे केक फिनिश नहीं हो गया मुझे तो एक्साइटमेंट ही होती रही और हैप्पीनेस ही होती रही कि वाह मेरी तो बर्थडे मंथ है बर्थडे मंथ है तो मैं अपने आप को भी कुछ एक्स्ट्रा ही स्पेशल फ़ील करा रही थी और जब कोई कह रही थी मैंने तो कॉल भी नहीं करनी किसी को मेरा तो बर्थडे मंथ चल रहा है एंड मुझे तो घर आने का भी सब्र नहीं था और बस मेरा दिल कर रहा था बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो मैंने ऑफ़िस से भी दो छुट्टियाँ ली थी थर्सडे का वैसे ही वहाँ पर ऑफ था तो मैंने सोचा मैं जल्दी से छुट्टियाँ लेके घर चली जाती हूँ तीन चार दिन घर गुजार आती हूँ बिकॉज़ मैंने थ्री मंथ से घर भी नहीं आई थी तो मेरा घर जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अम्मी को मिलने का छोटे भाई को मिलने का और हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं सबको मिलने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो मैं घर आ गई और ये सारी अनबॉक्सिंग मैंने घर आके की तो और सर्दियाँ भी आ गई हैं इतना मज़ा आता है विंटर्स में।, में मेरा फेवरेट सीजन है विंटर्स का आई रियली लव विंटर्स एक मेरा बर्थडे भी विंटर्स में आता है मुझे विंटर्स पसंद भी बहुत ज़्यादा है और मैं वहाँ पे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस कर रही थी वो अपने कॉफ़ी मग्स कॉफ़ी वगैरह ये सारा कुछ मिस कर रही थी मेरे मेरा रिंग लाइट वग़ैरह भी यहाँ पे घर पे ही पड़ा हुआ था तो वहाँ पे मुझसे प्रॉपर वीडियो ही नहीं बनती जहाँ मर्जी फ़ोन रख के वीडियो बनानी पड़ती है और कभी कभार फ़ोन हिल जाता है गिर जाता है तो अब मैं सोच रही थी ट्राईपोर्ट अपना ले कर जाऊँगी पहले मुझे हील्स वगैरह का बिल्कुल भी इतना कुछ ख़ास शौक़ नहीं था होता बट दो साल हो गया मुझे हील्स का इतना क्रेज़ हो रहा है कि पहले मैं ज़्यादातर शूज़ लेती थी जॉगर्स नीकरस वगैरह या फिर फ्लैट स्लीपर्स वगैरह लेती थी और अब तो मुझे पसंद ही हील्स आते हैं ब्लॉक हील्स वो पेंसिल हील्स वो भी ज़्यादा हाई वाले नहीं बिल्कुल मिड जिन की लेंथ होती है ना वो मीडियम टाइप बस और मैं बस ज़्यादातर हील्स वगैरह ही ले रही फ्लैट्स मगर इस बार मैंने दो फ्लैट्स वगैरह और दो कुस्से वगैरह लिए हैं मगर हील्स मैंने तीन चार ले ली हैं ज़ारा से भी मैंने एक ली एक मैंने चार्ल्स एंड केथ से भी ले ली बीच ट्री से भी ले ली तो हील्स मेरे पास भी हो गई हैं और मैंने ये चार्ल्स एंड केद का पहले सोचा हुआ था कि मैं यहाँ से ना एक जूता लूँगी बट फिर मैंने सोचा मैंने लेना तो है क्यों ना मैं अपने आप को बर्थडे गिफ्ट ही दे दूँ तो इस वजह से फिर मैंने अभी ले लिया जो मैं अनस्टिच दिखाऊँगी वो आसिम जोफ़ा का है ये जीन और आसिम जोफ़ा वाला जो था मुझे मेरे फेवरेट पर्सन ने दिया है और अभी एक ड्रेस आना था आई डोंट नो वो कैंसिल हो गया या क्या हुआ उसकी शिपमेंट को कि लाइक like, अब मुझे दोबारा वो जाके मैं आउटलेट से ही परचेज़ कर लूँगी बिकॉज ऑर्डर आने में पाँच छः दिन लग जाते हैं ये मिड लेंथ की शर्ट है और इसके साथ ट्राउज़र है बेल बॉटम टाइप और ये बहुत मज़े का ड्रेस है लाइक आई थिंक रॉ सिल्क इसका स्टफ है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी बहुत प्यारी बनी हुई है लाइक बहुत सिंपल सा ड्रेस है लाइक इतना ओवर नहीं है बट बहुत प्यारा है और इसका ट्राउज़र भी बहुत प्यारा लगता है तो मैं सोच रही थी एक दो तो दिन तक मैं पहन के वीडियो वगैरह और पिक्चर्स वगैरह लूँगी इस ड्रेस में और इसके साथ मैं अपना वो वाला पर्पल वाला जूता पहनूँगी ये ड्रेस आसिम जोफा का है और ये अनस्टिच्ड है तो ये भी मैं स्टिच करवाऊँगी आज या कल जाके टेलर को देख के आऊँगी वो स्टिच करते कर जाते हुए हॉस्टल जाऊँगी तो ये मैं साथ ही लेके जाऊँगी फिर किसी दिन वहाँ पे ये ड्रेस फेयर कर लूँगी ये ड्रेस भी बहुत प्यारा ड्रेस बना हुआ है मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग है ड्रेस भी इसका दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा और बहुत प्यारा है तो मेरा तो सबर नहीं हो रहा मुझसे ये वाला ड्रेस पहनने का मगर अभी ये स्टिच हो गया इसीलिए मैं स्टिच अनस्टिच ड्रेसेस नहीं लेती क्योंकि इनके स्टिच होने में टाइम लगता है स्टिच का तो ये होता है आप लेके आते हो बस जल्दी से पहन लेते हो और ये दोनों टोनर एंड मॉइस्चराइजर मैंने गेट से मंगवाए थे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे विश किया एंड नाजिश स्पेशली थैंक्स टू यू माई फैमिली थैंक्स टू दैम एंड स्पेशल 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 Thanks to my favorite person. I love you so much. Bye.